हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर नहीं बनी सहमति। सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों में टकराव। सहमति न बनने की वजह से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूटने की कगार पर है। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर मांग कर रही है। हालांकि कांग्रेस कुल 90 सीटों में से महज 7 सीटें देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने 10 लोकसभा क्षेत्रों में से हर एक सीट पर दावा किया है। इससे पहले दिन में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन खबरों का स्वागत किया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना में रुचि जताई है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा को हराना सभी विपक्षी दलों की प्राथमिकता है। यानी पार्टियों का गठबंधन का उद्देश्य यही है कि बीजेपी पार्टी को हर हाल में हराना है। लेकिन अब ऐसे में खबरें ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर गठबंधन टूटता है तो फिर हरियाणा चुनाव में कौन किसे मात देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो फायदा किसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।